पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन आज नंद के यहां और पूरे ब्रजमंडल में कार्तिक का महीना, दिवाली से अगला दिन, आज पूरे ब्रजमंडल में पूरी पकौड़ी पापड़ी और रसगुल्ले रसमलाई राजमलाई पूरी पापड़ी आदि आदि बहुत नमकीन पदार्थ अनुष्ठान के पदार्थ बन रहे हैं। आज भगवान ग्वाल वालों के साथ से गाय चरा करके जब शाम को घर पे आए तो मैया यशोदा रसोई में पकवान बना रही थी। लाला ने कहा, मैया मैया आज मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा, लाला चलो कोई बात नहीं, भूख लगी तो हूं, मैं अपना काम कर रही हूं, अभी रसोई में मत आना बिना स्नान किए हुए। लाला ने कहा, क्यों मैया? बोले, लाला मैं ऐसे देवता की पूजा भोजन प्रसाद बना रही हूं, भोग बना रही हूं, जिसकी पूजा में छुआ छूत का डर होता। अप्रस में रह करके मैं प्रसाद बना रही हूं। बोले, मैया कौन सा देवता है? बोले, उसको नाम है इंद्र। तो इंद्र की पूजा क्यों करें? बार बार परेशान करने लगे। मैया ने कहा, जा बाबा पौरी पे बैठे, बाबा से जाके बात कर, वो बताएंगे तुझे, वो समझाएंगे। बोले, अच्छा मई। तो गोविंद नंद बाबा के पास पहुंचे और बाबा से कहने लगे, बाबा बाबा आज मेरी मैया ने मुझे पूड़ी पकौड़ी पापड़ी रसमलाई पुआ आदि खाने को नहीं दिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। बाबा अब मैं समझ गया, ग्वाल वालों ने मुझे आज ही बताया, लाला तू नंद बाबा यशोदा को छोरा ना है। आज मुझे पतो लग गई, कोई ऐसी मैया नाए होगी जो बेटा कुछ खावे के मांगे और वो मना कर दे। अगर मेरी मैया होती तो मुझे ये जरूर पकवान खाने को देती। अब मैं समझ गया बाबा, ग्वाल वालों ने मुझको बताया तेरा गोकुल से नाता नहीं नंद बाबा, नहीं तेरे बाबा माया सोदाना माता नहीं। अब मैं समझ गया, ना बलदाऊ मेरो भैया, ना तुम मेरे बाबा, ना यशोदा मेरी मैया। नाटक करने लगे रोने का, कोई नाटक सीखे तो कृष्ण से सीख ले, किसी को कैसे मनाना है वो गोविंद जाने। लाला को बाबा ने गोदी में बिठायो, आंसू पहुंचे, आंसू तो आए ना, झूठे के आंसू हुए। लाला तू मेरो बेटा है और मैया यशोदा ही तेरी माँ है, कोई और ना है। तू मन को भारी मत करे, ग्वाल वाल तो झूठ बोले। आज ब्रजवासी इंद्र की पूजा के लिए यज्ञ करने को तैयार हैं। तो लाला ने कहा, बाबा तू सच बता, माँ यशोदा कौन से देवता की पूजा के लिए पकवान बना रही है? कहा, इंद्र के लिए। बोले, कहाँ रहे वो इंद्र? बोले, रहवे को पतो ना है, लेकिन पूजा इंद्र की हुए। तो लाला ने कहा, लाभ बाबा जिस देवता का तुम्हें कोई अता पता नहीं है, कोई कन्फर्म नहीं है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, तो उसकी पूजा करने से क्या लाभ है? आप मेरे देवता की पूजा करिए, मेरा देवता प्रत्यक्ष आपसे मांग मांग करके खाएगा, आपको दर्शन भी देगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। नंद बाबा से लाला ने कहा, तद विगो अपि भगवान
सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रश्नयावन्तो अप्रच्छत् वेदानंद पुरोगमन। बाबा मेरा देवता हंस हंस करके खाएगा, मांग मांग करके खाएगा, आप मेरे देवता का पूजन करें। और बाबा कि कथ्यता में पिता को अयम संभ्रमो वा उपागत किं फलम कस्य चोदेशे केनम वा साध्यते मखा। और बाबा आप जो ये यज्ञ कर रहे हैं ना, इस यज्ञ का फल क्या है, क्यों कर रहे हैं? बाबा ने कहा लाला इस यज्ञ का फल है इंद्र की पूजा से पानी का वर्षण। पानी का वर्षण नहीं होगा तुम्हारे खेत में हरा चारा नहीं होगा, गायों के लिए हरी हरी घास नहीं होगी, अन्न का उपज नहीं होगा, इसलिए इंद्र का पूजन करते हैं। लाला ने कहा अच्छा बाबा ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो इंद्र को काम है पानी बरसाओ, वो तो पानी बरसाएगा, उसका काम है, तो पूजा किस लिए करनी? कीतम तात वयमन्ये चावपुर चामा पीत मीश्वरम द्रव्यस्तः द्रेदसा सिद्धरयते चतुर्भिनर्मः। बाबा सच बताऊं आप मेरे इष्ट का पूजन करो। बाबा ने कहा तो कहां रहे तेरो भगवान? बोले उस सामने देख रहा हूं ना पहाड़, वह पहाड़ में ही मेरो भगवान निवास करे। बोले अच्छो को दर्शन देखो? बोले पक्को बाबा तू चिंता मत कर, जब तक आप कहोगे तब तक मेरा देवता आपको दर्शन देगा, और जब तक आप खिलाओगे तब तक खाएगा। मेरा देवता है वो, मैं उसकी उपासना करता हूं। और बाबा हर व्यक्ति को कर्म का फल मिलता है, आप क्यों ऐसा करते हो? आप तो मेरे गिरिराज का पूजन करिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वापी पद्यते। अब लाला की बात को सुनकर के कर्म के अनुसार व्यक्ति को सुख दुख मिलता है, तो अब आज गिरिराज जी का पूजन करेंगे। ब्रजवासिनी ने पक्को कर ली, लाला तेरे देवता का पूजन करने से पहले सुन लो, अगर मान लो हमने आपके देवता का पूजन कर दिया, इंद्र का पूजन छोड़ दिया, इंद्र कुपित हो गया और पानी का वर्षण कर दिया, हमें डुबा दिया, तो तेरे देवता को हमें बचाना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं 7 वर्ष के कृष्ण विश्वास के साथ दृढ़ संकल्प के साथ, अरे ब्रजवासियों आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ब्रजमंडल पे अब तक कितने कष्ट आए, कितनी परेशानी आई है, क्या तुमको मैंने बचाया नहीं? और मैं नहीं बचाऊंगा, मेरा देवता आपको बचाएगा। ब्रजमंडल में ढिंढोरा पिट गया, आज तो गिरिराज जी का पूजन करने के लिए चलेंगे। सारे ब्रजवासी अपने अपने गाड़ियों में 56 भोग रख करके जो पकवान बनाए वह लेकर के और गिरिराज की ओर चलने लगे, और चल करके ऋषि ब्राह्मणों को भी साथ में लेकर के गए, पूजा की थाली साथ में ले ली कि चलो भाई सब चलो गिरिराज जी का पूजन करने के लिए।
सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।